यह कंसेप्ट वीडियो एम्पियर्स सर्किटल लॉ पर आधारित है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमें एक आसान और एक अल्टरनेटिव तरीका प्रोवाइड करता है। इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट टू बायो सेवर्ट्स लॉ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आपको इसमें करना क्या होगा बच्चों, स्क्रीन पर दिए गए इस चित्र को देखें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। मैंने एक लूप इमेजिन करी, एक इमेजिनरी लूप है जो हमारे करंट को सर्कल करती है, या हिंदी में बोले आसान भाषा में कि घेरती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एन इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट ऑफ द इमेजिनरी लूप, यानी कि आपको इस इमेजिनरी लूप का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है और आपको उसके अक्रॉस मूव करना है। साथ ही साथ जब आप मूव करेंगे तो होगा क्या बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे, लूप लेते वक्त आप कोशिश करिए कि ऐसी लूप लें आप कि जिसके मूवमेंट पे, या ऐसा कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, वो मैग्नेटिक फील्ड लूप की दिशा में टेंजेंशियल हो। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, बट आप प्रयास करें अपना लूप लेते वक्त कि लूप की जो डायरेक्शन है, जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड उसी के टेंजेंशियल हो। सो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड टूल। यानी कि आप जो भी लूप आपने इमेजिन करी है, जो आपके करंट एलिमेंट्स को या करंट सोर्सेस को इनसर्कल कर रहा है, उस लूप में जब आप मूव करेंगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड और लूप के छोटे छोटे एलिमेंट्स जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका सम करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब ये करंट इनक्लोज्ड क्यों कहा है हमने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही कंडक्टर हो, जरूरी नहीं है एक ही करंट सोर्स हो, कई सारे करंट सोर्स हो सकते हैं और उन सभी करंट सोर्सेस में करंट का डायरेक्शन का फ्लो अलग अलग हो सकता है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल सर्फेसेस बट इट मे नॉट फैसिलिटेट द इवेल्युएशन ऑफ फील्ड इन एवरी केस। यानी कि वैसे तो ये हर एक सर्फेस पे एप्लीकेबल है, बट जरूरी नहीं है कि हमारा जो पर्पस था इसको यूज करने का कि हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सके किसी कंडक्टर द्वारा, तो ये जरूरी नहीं कि हर केस में आपको आसानी से ही ये फैसिलिटी मिले। इफ ईच पॉइंट ऑन द एम्पियरियन लूप हैज आइदर फर्स्ट पॉइंट बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट बी, सेकेंड बी इज नॉर्मल टू द लूप, थर्ड बी वैनिशेस, देन एम्पियर सर्किटल लॉ इज वेरी यूजफुल। यानी कि जो मैंने आपको बोला था, सबसे पहले आप अपना करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, करंट सोर्सेस देखें, उनको इन सर्कल करता हुआ एक लूप आप चूज करें। लूप इस तरह से चूज करें आप कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लूप के टेंजेंशियल हो, या उसके नॉर्मल हो, या जीरो। इस केसेस में ऐसे जब भी आप सॉल्व करेंगे आप लूप लेके, तब आपका एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही आसानी से आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला प्रोवाइड करा पाएगा, ये तब आपको उसका लाइन इंटीग्रल लेना आसान हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां कहीं भी सिमेट्री दिख रही है वहां आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं, वो बहुत यूजफुल होता है सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अगर हम इस कंडक्टर की बात करें तो इसको इनसर्कल करता हुआ हम एक लूप ले सकते हैं, हमारा जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में है। सो इफ बी इज टेंजेंशियल फॉर द लेंथ एल, देन बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। सो लाइक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर हम इस इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करें, तो हमने जो लूप लिया है, निश्चित तौर पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी लूप के टेंजेंशियल है, क्योंकि
बच्चों आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारी लूप के टेंजेंशियल आ रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यहाँ पे एम्पीरियन लूप लेना आसान होगा, हमारा काम आसान होने वाला। उसके बाद टोटल करंट इनक्लोज कितनी होगी, जितनी भी आप के लूप के अंदर से पास हो रही है, यानी कि आपकी वायर का टोटल करंट होगा। अगर आप डीएल को इंटीग्रेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू द पैरीमीटर ऑफ योर लूप, और यहाँ पे हमने सर्कुलर लूप इमेजिन करी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2πr व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। द फील्ड हैज अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री, दैट मीन सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो फील्ड हमने फाइंड आउट करा है, फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। द फील्ड एट एनी नॉन जीरो डिस्टेंस पॉइंट इन फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड इज फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड इज नॉट इनफाइनाइट। पहली चीज तो ये कि आपके वायर के आसपास जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पे आपको जब कैलकुलेट करोगे आप तो वो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, भले ही आपका करेंट कैरिंग एलिमेंट का लेंथ इनफाइनाइट है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।